हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कोडिंग कॉलेज आज एरिस्टोटल के एक बुक से होकर मैं गुजर रहा था सो दे आई फाउंड वन कोड सो वो कोड क्या था एक्सेलेंस जो एक्सेलेंस है इज नेवर एन एक्सीडेंट इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन सिंसियर एफर्ट एंड इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन सो जो एक्सेलेंस है वो कभी एक्सीडेंटली आपको नहीं मिलता उसको पाने के लिए बहुत ही सेंसियर एफर्ट और इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है सो कीपिंग दिस इन माइंड हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे दैट इज़ डेटा टाइप्स इन जावा सो डेटा टाइप्स जावा में एक्चुअली सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं द फर्स्ट वन इज़ प्रेमेटिव डेटा टाइप्स एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन प्रेमटिव तो प्रेमटिव का मतलब क्या है प्रेमटिव का मतलब है सिंपल डेटा सिंपल डेटा टाइप्स इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं तो so, जैसा कि मैंने बताया दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं प्रेमटिव प्रमेटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रेमटिव डेटा टाइप्स तो यहाँ पे प्रमेटिव डेटा टाइप क्या होते हैं द प्रमेटिव डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यूज ओके एंड नॉट द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स सो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया सिंपल वैल्यूज मतलब सिंपल वैल्यूज मतलब वन टू थ्री कैरेक्टर्स ए बी सी डी पॉइंट्स में जो हमारे नंबर्स होते हैं डेसिमल वगैरह में जो नंबर्स होते हैं तो इन सब इन सभी को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो वो प्रेमेटिव डेटा टाइप्स के अंदर ये आते हैं एंड इसके बाद के जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो हमारे नॉन प्रेमेटिव डेटा टाइप्स होते हैं तो इस वीडियो में वी विल कवर ओनली द डेटा टाइप्स सो हम अपने स्लाइड की सेकेंड स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं प्रेमेटिव डेटा टाइप्स कैन बी पुट इन टू फोर ग्रुप्स हमारे जो प्रेमेटिव डेटा टाइप्स हैं ये चार ग्रुप में हम इनको कैटेगराइज करते हैं इनको डिवाइड करते हैं द फर्स्ट वन इज इंटीजर्स सेकेंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स थर्ड वन इज कैरेक्टर्स एंड फोर्थ वन इज बोलियंस इनको हम पहले अच्छे तरीके से समझेंगे आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो वर्क ऑन प्रोग्राम्स इन दिस वीडियो ओनली सो वॉट आर इंटीजर्स सो इंटीजर्स हमारे चार टाइप के होते हैं ओके द फर्स्ट वन इज बाइट सेकेंड वन इज शॉर्ट इंड एंड लॉन्ग बाइट हमारा एट बिट साइंडीजर टाइप है साइन आ मीन्स वेदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव शॉर्ट अगेन सिक्सटीन बिट साइन इंटीजर टाइप एंड थर्टी टू बिट साइन इंटीजर टाइप एंड लॉन्ग इज सिक्स इन चारों में डिफरेंस क्या है सो वे विंडर स्मॉलेस्ट इंटीजर टाइप इन जावा दिस इज ए साइन एट बिट इंटीजर टाइप देंजेस फ्राम माइनस ट्वेंटी सेवन तो अगर किसी प्रोग्राम में हमें किसी वेरिएबल को एज ए बाइट डिफाइन करना है तो वी यूज बाइट ए ए एंड बी सो यहाँ पे अगर किसी भी प्रोग्राम में हमें ये डिफाइन करना हो कि सर्टेन वेरिएबल इज ए बाइट तो हम इस तरीके से कोड में इसको इंक्लूड करते हैं सो द नेक्स्ट इज शॉर्ट सो शॉर्ट इज सिक्सटीन बिट साइन इंटीज़र टाइप सो सिक्सटीन बिट और यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट को डिफाइन करना हो अपने प्रोग्राम में तो हम इस तरीके से करते हैं नेक्स्ट वन इज इंटीजर सो द मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज इन टाइप इज इंट

सो so, इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि हमारा इंटीजर जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता उस टाइम पे हम लॉन्ग यूज करते हैं तो ये वैल्यूज किस तरीके की हो सकती हैं इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम के कोड को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है ओके सो व्हाट दिस प्रोग्राम विल डू दिस प्रोग्राम सो दिस इज द होल प्रोग्राम सो व्हाट दिस प्रोग्राम विल डू इट विल कंप्यूट डिस्टेंस कंप्यूट द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स

आ री ऑफ लाइट है वो थाउजेंड डेज में कितना ट्रैवल कर रही है उसके लिए हमें क्या करना होगा थाउजेंड डेज में कितने सेकंड होते हैं उसे हम कैलकुलेट करेंगे सो सेकंड थाउजेंड डेज में कितने सेकंड कितने सेकंड्स होते हैं फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई डेज इनटू ट्वेंटी फोर आवर्स दिस वन आफ्टर 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स तो इससे टोटल थाउजेंड डेज में हमारे कितने सेकेंड्स से हैं यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी फिर हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस डिस्टेंस ऑलरेडी लॉन्ग में so, six, so, 186, में डिफाइन कर रखा है सो लाइट स्पीड नंबर ऑफ डेज जितने सेकेंड्स से होते हैं उससे ये मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी एंड अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसे हम चेक कर लेते हैं सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू सो इस वैल्यू को हम इंट के अंदर जो जिस वेरिएबल को एज एन इंट हमने डिफाइन किया हुआ है उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं इनकेस अगर हम इसको डिफाइन करते हैं हम डिस्टेंस को एज एन इंट डिफाइन करते हैं तो यहां पर हमें एक एरर मिलता है हम उस एरर को चेक कर लेते हैं हमें एरर क्या मिलेगा इन दैट केस ओके हम अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यहां पर आपको एरर दिख रहा है So, so यहां पे वापस से हमने इसको लॉन्ग uh, चेंज कर लिया आई होप ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको uh, जो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड ओके सो दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सो आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सपोज करो आपको स्क्वायर का सर्कल का ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यूज जो होती है ना जैसे सर्कल का एरिया हो गया ट्रैंगल का एरिया तो ये पॉइंट्स में आती हैं सो so, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स एंड आर यूज व्हेन इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन दैट रिक्वायर फ्रैक्शनल प्रिसीजन सो कोई भी वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो और कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो जैसे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज हो गए डिफाइन करते हैं फ्लोट एंड डबल के थ्रू ओके इससे रिलेटेड भी एक प्रोग्राम हम समझ लेते हैं यहाँ पे ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर सो वॉट आर कैरेक्टर्स इन जावा द डेटा टाइप यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स इज कैर ओके तो यहाँ पे सी एच ए आर कैर में हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं की पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट जावा यूज यूनिकोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स जैसे कि हम सी प्लस प्लस में सी 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 प्लस प्लस में यूज करते थे सो हियर वी यूज यूनिकोड सो यूनिकोड डिफाइन ए फुल्ली इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट दैट कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द कैरेक्टर फाउंड इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस इट इज एशन ऑफ डजन ऑफ करेक्टर कैरेक्टर सेट्स सच एज लैटिन ग्रीक अरेबिक यू नो एक्सेट्रा

Or false either a statement is true or false so java has a primitive type called boolean for logical values so it can have only two possible values that is true or false so this is the type returned by all relational operators so boolean is also the type required by the conditional expression that govern the control statements such as if and for if else ke statement may be iska use hota hai. ये गवर्न करता है एंड अगर हम लूप वगैरह डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम भी इट वर्क वेल सो दिस वन इज बोलियंस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोलियंस तो ये टोटल हमारा था प्रेमेटिव डेटा टाइप अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे दैट वाट आर नॉन प्रेमेटिव डेटा टाइप ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टू सब्सक्राइब